अलअज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को खुसूसी तैयारी पर लाहौर पहुंचाया गया। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास दे दी गई। मैट्रेस, अखबार, टीवी, दो कुर्सियां और मेज मिल गई। नवाज शरीफ के लिए घर से बर्तन लाने की इजाजत है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्किल दौर है जिससे मैं और मेरा खानदान गुजर रहे हैं। कल के खुदा क्या फैसला दे रही है? ये मुमकिन है सलाह। नवाज शरीफ के केसेस में फैसलों के खिलाफ अपीलों की तैयारी। नवाज शरीफ अलअज़ीज़िया केस में सजा और नया फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ की बरियत चैलेंज करेगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला ने एहतसाब अदालत से अलअज़ीज़िया केस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब ने भी फ्लैगशिप केस का तमाम तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लीगी एमएनए अफजल खोखर और एमपीए सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ कब्जा केस की समाअत। एंटी करप्शन को अफजल खोखर के बड़े भाई शफी खोखर से तफ्तीश का हुक्म। बेवाओं यतीमों की जमीनें हड़प कर गए, हमेशा से तुम्हें जानता हूं, बताओ अरबपति कैसे बने? आप लोग अपने इलाके के बादशाह बने हुए थे, आपके खिलाफ लोग अदालत जाने से डरते थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। घर में काम करने वाली दो बहनों पर तशद्दुद के केस में साबिक वजीर सिद्दीक कांजू का बेटा कमरे अदालत से गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। बच्चियों की वालिदा के मुताबिक अमीन कांजू ने लड़कियों से हिफ्ज़े बेजा में रखकर तशद्दुद किया था। मैं तो समझता हूँ कि बिलावल जो है जरदारी की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। पहले भी उसकी वालिदा मरहूमा का शहीद का जो वसीयत सी नौकरानी के पर्स में से निकली, अब आसफ जरदारी की सियासी वसीयत कहाँ पड़ी होगी मुझे नहीं पता। ओमनी बैंक में होगी या किधर उधर, स्विस या अमेरिका या दुबई, दैट आई डोंट नो। मैं सुन रहा हूँ खुर्शीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं उसकी भी डेट फिक्स होने वाली। खदशा है बिलावल अपने वालिद की सियासत की भेंट ना चढ़ जाएं। शाह साहब की चीखें बता रही हैं कि डेट फिक्स होने वाली है। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा डाकू और करप्ट है। इमरान खान से उम्मीद है कि कोई एनआरओ नहीं होगा। सब्सिडीज जो दी हैं फार्मर्स को ट्रैक्टर्स पे दी हैं, क्या वो नहीं देनी चाहिए थी? और ये सब्सिडीज 2008-09 से हम देते चले आ रहे हैं। सब्सिडी तो कोई गलत नहीं किया, हमें अदलिया का हर फैसला कबूल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तमाम सब्सिडीज बाज़ाब्ता तौर पर दी गई। जेआईटी में बास चीजें मज़ाहे का खेज हैं, रिपोर्ट का अदालत में सामना करेंगे। जेआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही तफसील लीक होना गलत है। बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह का यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने जिम्मेदारी संभाल ली। वजीर रेलवे, वजीर आला सिंध और डीजी रेंजर्स की मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर चमकुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक कराने का हुक्म। जो वाजे और साफ डिग्रियां फराहम ना करे उसे पारिक कर दें। चीफ जस्टिस का सिविल एविएशन के वकील से मुकालमा। काबुल में हुकूमती कंपाउंड पर हमला, हलाकतों की तादाद 43 हो गई। हलाक होने वालों में एक पुलिस अहलकार और 28 शहरी शामिल हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चार मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में बीजिंग में मौजूद। चीनी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाक चीन दोस्ती को अवामी पजीराई हासिल है। सी पैक चीनी सदर के वन बेल्ट वन रोड विजन का इकास है। वज़ीरे खारजा की अफगानिस्तान में कयाम अमन पर भी गुफ्तगु। जबरदस्त फेस्टिवल एआरवाई ने अरेंज किया है। मेरे बच्चे भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इन सबको। एआरवाई फैमिली फीस्ट में खाना पीना मौसीकी का तड़का, लुत्फ दोबाला। रोशनियों का शहर कराची एआरवाई फैमिली फीस्ट से जगमगा उठा। बोर्ड बेसन के बेनजीर भुट्टो पार्क में शहरियों का रश। एआरवाई फैमिली फीस्ट में तीन दिन में 70,000 से ज्यादा शहरियों की शिरकत। एआरवाई फैमिली फीस्ट में आज ग्रैंड फिनाले होगा। और दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब हो गई। पोप फ्रांसिस का कहना था कि मादियत परस्ती छोड़कर सादगी इख्तियार करें, गरीबों की मदद करें। अमेरिका में सेंटा क्लॉस ने स्कीइंग करके बच्चों को खुश कर दिया। पाकिस्तान के गिरजा घरों में भी खसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम।